नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रिमोरा व्लॉग्स के बारे में। गाइस, कल भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जो कि रिमोरा व्लॉग से ही जुड़ा हुआ था। बट गाइस, उस वीडियो में मैंने रिमोरा व्लॉग्स के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली थी। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो में एक भी शब्द रिमोरा व्लॉग्स के खिलाफ गलत नहीं बोला था। मुझे अच्छे से पता है उस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत बात या उनकी किसी भी बुरी बात को कवर नहीं किया था। ठीक है, आप अभी जाइए उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि मैंने एक भी शब्द रिमोरा ब्लॉग्स के खिलाफ गलत बोला है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं अपना वो वीडियो डिलीट कर दूंगी और ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मुझे अच्छे से याद है। बट गाइज, उस वीडियो को बनाने के बाद भी जिस तरीके का व्यवहार मुझे जो है रिमोरा ब्लॉग्स की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटली परेशान कर रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। गाइज, मेरे को जो है रिमोरा ब्लॉग्स की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया है और उस लीगल नोटिस में जिस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मैंने रिमोरा व्लॉग्स को केवल जो है अभी के समय में दो बार ही रोस्ट किया है, एक बार रोस्ट किया है, उनके गाने को मैंने रोस्ट किया था और मैंने उसके थोड़े समय बाद ही एक वीडियो बना के डाल दिया था कि वो जो वीडियो मैंने बनाया था पहले वाला वो मस्ती मजाक के लिए था और ये वीडियो बिल्कुल सही है और उनका गाना बहुत अच्छा है वारी जामा। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने उनको एक बार रोस्ट किया क्योंकि जो कल वाला वीडियो था वो तो रोस्टिंग का था ही नहीं, वो तो रोस्ट वीडियो था ही नहीं। उस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ एक चीज़ कवर करी थी जो कि रिमोरा व्लॉग्स के साथ जुड़ी हुई थी, अदरवाइज मैंने उस वीडियो में उनको रोस्ट नहीं किया था। बट उसके बावजूद भी उनका इस तरीके से मेरे को एक लीगल नोटिस भेज देना, एक मासूम लड़की को इस तरीके से यू नो लीगल नोटिस भेज देना मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगता है और उनके फैंस की तरफ से भी ऐसा व्यवहार देखकर मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हमने तो कुछ करा भी नहीं है गलत, तभी भी हमें इतना ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है और एक लीगल नोटिस हमें भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली कह सकते हैं हैरेस कर रही है और परेशान कर रही है। तो इस वीडियो में मैं किसी और से कोई बात नहीं करूँगी, किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्ट रिमोरा व्लॉग से बात करूंगी। अगर वहां से कोई भी मेरी वीडियो देख रही हैं, चाहे दीक्षा मैम देख रही हो, चाहे ऋषि देव सर देख रहे हो या वो दूसरे वाले सर है वो देख रहे हो, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपने क्यों जो है इस तरीके का नोटिस मुझे भेजा है, आप मुझे बताइए इसके पीछे रीजन क्या है, आपको क्या चीज़ बुरी लग गई। अगर आपको कुछ चीज़ बुरी भी लगी थी तो आप मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते थे कि आपका जो है ये वाला पार्ट वीडियो का गलत है जो आपने हमारे बारे में बोला है, इसको कट कर दीजिए या चाहे वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैं फटाफट वीडियो डिलीट कर देती हूँ। बट डायरेक्ट ही एक लड़की को इस तरीके से नोटिस भेज देना बहुत ज़्यादा मुझे यू नो गलत लगा और एक बहुत नॉर्मल लड़की को इस तरीके से लीगल नोटिस भेजना गाइस बहुत गलत है, मैं तो बहुत तो खुलेआम ये चीज़ कहना चाहूँगी। सो कल ही मेरे को एक ईमेल आया था जब मैंने सुबह के टाइम पे 12 बजे के टाइम पे वो वीडियो अपलोड किया था रिमोरा ब्लॉग्स वाला, तो मेरे को शाम के टाइम पे ईमेल आया था और वो ईमेल काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से, काफ़ी फॉर्मल ढंग से लिखा हुआ था और उसमें यही बात कही गई थी कि हम जो है रिमोरा ब्लॉग्स के मैनेजर हैं, हम उनके टेक्निकल टीम से जो है आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर केस करेंगे क्योंकि आपने रिमोरा ब्लॉग्स के खिलाफ काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है। ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, ठीक है, और इसके लिए हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं क्योंकि आपने लगातार उनको यू नो रोस्ट किया है, ऐसा उन्होंने अपने ईमेल में लिखा था। तो इस ईमेल को जब मैंने देखा तो एक बार के लिए तो मुझे डेफिनेटली ये लगा कि बिल्कुल सही ईमेल है क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से लिखा हुआ था, साथ में एक नोटिस भेजा गया था क्योंकि यू नो ऐसे नॉर्मल पेपर पे जो नोटिस होता है उस टाइप का नोटिस था, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें लिखी हुई थी इंग्लिश में मेरे वीडियोज़ को लेकर और मेरी कुछ बातों को लेकर जो मैंने बोली है अपने वीडियोज़ में, तो इस तरीके का ईमेल था। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैं डेफिनेटली मेरे को बुरा लगा कि यार ये तो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं भेजना चाहिए था मेरे को, एक बार बोल देते कम से कम इंस्टा पर आके तो मैं खुद से वीडियो हटा लेती, कम से एक बार बोलते तो सही, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट इस तरीके से मेरे को ईमेल कर दिया, अपने टेक्निकल टीम से बोल दिया कि इनको ईमेल कर दो, वो चीज़ मुझे काफ़ी गलत लगी। तो मैंने सोचा कि मैं इनके टेक्निकल टीम से बात करती हूँ, तो मैंने उनके ईमेल का रिप्लाई किया, मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, मैंने उनको बोला कि मैंने अभी के समय में पहले बनाई है मैंने दो वीडियो उनको रोस्ट करते हुए, बट स्टिल वो बात तो पुरानी हो चुकी है, अगर उनको उस वाली वीडियो से बुरा लगा होता तो वो तभी के तभी मेरे ऊपर यू नो इस तरीके से कुछ बातचीत करते, बट वो वाली वीडियोज पुरानी हो चुकी है तो उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इस वाले लीगल नोटिस से, क्योंकि उन्होंने भी अपने वीडियो में उस नोटिस में पुराने वीडियोस की बात नहीं करी थी, उन्होंने भी अभी वाली वीडियोस की बात करी थी जहां से मैंने उनके वारी जावा को रोस्ट किया। तो मैंने उनको जो है रिप्लाई में यही बोला कि मैंने जो है वारी जावा को केवल एक बार रोस्ट किया है, वो भी बिल्कुल मजाक में, मैंने उसके थोड़े घंटे बाद ही एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोल दिया था कि गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैंने जो वर्स्ट वाला वीडियो बनाया था वो मस्ती मजाक के लिए था, मैंने उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करी और जहाँ तक वो बोल रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर लगातार रोस्ट वीडियो बनाई है, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया है कि मैं आपको लगातार रिमोरा व्लॉग्स को रोस्ट कर रही हूँ, मगर असलियत तो ऐसी है ही नहीं। मैंने रिमोरा व्लॉग्स को कल भी रोस्ट नहीं किया, नहीं आज रोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये रोस्ट नहीं होता है, मैं सिर्फ कुछ बातें बोल रही हूँ जो कि रिमोरा व्लॉग्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए मैंने उनका फोटो लगा दिया थंबनेल पे। ठीक है, बस ये वाली चीज़ है, क्योंकि उनके चैनल से जुड़ा हुआ वीडियो मैं बना रही हूँ, इसलिए उनका थंबनेल में नाम लिखा है और इस तरीके से टाइटल में नाम लिखा है। अदरवाइज उनको रोस्ट तो मैंने किया ही नहीं। एक बार किया था वाली जावा को रोस्ट, वो भी मजाक में, उस चीज़ को मैंने क्लियर किया पूरा, मैंने एक ईमेल उनको लिखा, मैंने भी अपनी तरफ से अच्छे से लिखा और उनको भेज दिया। उसके बाद उनका रिप्लाई आया तो वो बोली कि हम रिमोरा व्लॉग्स, आप जो है इस तरीके की वीडियोस ना बनाएं, आप तो सबको रोस्ट करती रहती है, सारे बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत ही ख़राब है, आप तो बहुत ही अच्छी हैं, है ना। तो इस तरीके की मेरे को बातें बोलने लग गई वो, और उन्होंने ये भी बोला कि आप तो सबसे बड़ी पागल हैं, आप सबको रोस्ट करती हैं, सबको पागल बोलती है, लेकिन आप पागल हैं, इस तरीके का मैसेज उन्होंने मुझे किया। और उसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि मैंने जो ये ऊपर वाला मैसेज किया है, ये मैंने सिर्फ यूँ ही आपको कर दिया, मैं रिमोरा व्लॉग्स की फ़ैन हूँ, उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी मुझे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये कोई रियल नोटिस नहीं था, ये किसी ने जो है कह सकते हैं मजाक तो नहीं कहेंगे, मेरे को डराने के लिए इस तरीके का ईमेल किया था, है ना, ताकि मैं वीडियो हटा दूं, क्योंकि उन्होंने पहले में ही कंडीशन लिख दी थी कि हम आपके ऊपर केस करेंगे, वरना आप सारी की सारी वीडियोज अपनी हटा दीजिए। तो मैंने तभी भी यही बोला था कि अगर उनकी तरफ से रियल आईडी से मेरे को मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली हटाऊंगी, बट डेफिनेटली इस तरीके का ईमेल देख के तो मैं नहीं हटाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या पता भाई सही है या नहीं है। तो मैंने उनको जब उनकी तरफ से ये सारा ईमेल आया कि हम उनके फ़ैन हैं और आप तो उनको रोस्ट कर गई, उनके पीछे पड़ गई हैं, तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के भी पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं सिर्फ उनके गाने को एक बार रोस्ट करी थी और उसके बाद कुछ चीज़ें जो अनक्लियर रह गई थी उनको क्लियर करने के लिए मैंने उनके ऊपर दोबारा वीडियो बनाई थी, और ये वाली वीडियो भी कुछ इसी तरीके की है, ठीक है, इसमें भी मैंने उनको रोस्ट नहीं किया है, तो ये बहुत क्लियर चीज़ है। सो गाइस, बस यही इस वीडियो में मेरे को बोलना था, और उनके फैंस के साथ मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप क्यों मेरे पीछे इस तरीके से पड़े, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने कल भी यही बोला था कि यार अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना मेरे ऊपर, वो भी आपको तो, आप तो वैसे मेरे को पसंद नहीं करते, तो मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, आप इसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस टाइम में तो और ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, बट स्टिल आप अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट मैन, क्योंकि आप वही कर रहे हो। आपने ईमेल इतना बड़ा प्रोफेशनल ढंग से लिखा, डेफिनेटली आपको कहीं से हेल्प लेनी पड़ी होगी कि किस तरीके से ऐसा ईमेल लिखा जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो रोज के पता नहीं कितने कितने ईमेल करके, बस यार रहने दो, कितना करोगे, ठीक है, और मेरे को इस तरीके से डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट आगे एक इंस्टा पे मैसेज कर सकता है मेरे को। मैं अपनी आईडी हमेशा मेंशन करती हूँ इसलिए अपनी वीडियो में, कि किसी को भी दिक्कत है तो आके मेरे को एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को अपना पार्ट बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट जो है हमें गलत लगा, इसको ट्रिम कर दो, मैं ट्रिम कर दूंगी। अगर बोलेंगे वीडियो ही हटा दो, हटा दूंगी, उसमें मेरे को कोई मसला नहीं है, बट उनकी रियल आईडी हो तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, बट ऐसे ईमेल्स पे तो मैं डेफिनेटली कैसे भरोसा कर सकती हूँ, और जो पता है मेरे को कि फेक ही होंगे। और ये उनके ऐसे फैंस हैं जो जिनको मैं कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ये लोग मेरे को इतना कमेंट्स में आके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं इनका कभी रिप्लाई नहीं करती, या उसी तरीके से जैसे ये मेरे से बात करें इनसे मैं कभी बात नहीं करती, उसके बावजूद ऐसा व्यवहार इनके फैंस की तरफ से मुझे तो सरासर गलत लगता है गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे बोलती तो आप भी मेरे से वैसे ही तरीके से बोलते, बट आप ही मेरे को बोले जा रहे हैं, मैं तो आपको कुछ बोल भी नहीं रही, उसके बाद भी ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी अक्सेप्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, और सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि हम किसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो लड़की जब हमें कुछ बोल भी नहीं रही है, हम उसको लगातार उसके कॉमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दे रहे हैं, वो कभी हमें रिप्लाई नहीं करती हमारी गाली से। ऐसा हो सकता है ना, आप मेरे को गाली दे रहे, मैं भी आपको गाली दूँ, बहुत सारे रोस्टर ऐसा करते हैं, अगर उनको जाके कोई गाली देते हैं तो वो भी चार गाली दे देते हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में, बट मैं ऐसा नहीं करती, बट स्टिल वही सेम चीज़ मेरे साथ होती रहती है, बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मेरे को यही चीज़ क्लियर करनी थी कि रिमोरा व्लॉग्स की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, वो फेक था जो कि उनके एक फ़ैन ने भेजा था, तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करो, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ आप मत करो, मैं तो यही बोलूँगी आपको। और एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो आपने खुद ही बता दिया कि भाई हम उनके फैंस हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना, आप तो सामने वाले को बिल्कुल डराने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी यार मेरे हिसाब से तो यार ये चीज़ इलीगल है, और आप तो इलीगल काम कर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ठीक है। बस इस वीडियो में यही मेरे को बोलना था, और ये वीडियो भी रिमोरा व्लॉग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका थंबनेल लगाया है और उनका टाइटल में नाम लिखा है, अदरवाइज उनको रोस्ट नहीं किया गया है। उनको रोस्ट एक बार किया गया था, वर्स्ट जो सॉन्ग मैंने उनको बोला था वो भी मजाक में, और जो दो वीडियो मैंने पहले बनाई है आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, शायद से मैं दे सकती हूँ, मेरे को खुद मिल जाए तो दे दूंगी।
और वो दोनों वीडियो भी देख लेना, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बात की गई है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा मन कर रहा है किसी के खिलाफ बोलने का तो आके मैं कुछ भी बोलूंगी, ऐसा नहीं था, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ और बिल्कुल जो है सही तरीके से बात की गई है। मगर उन दोनों वीडियोज़ को बनाने के बाद भी उतना ही मुझे हेट मिल रहा है जितना अभी मिलता है, वो भी बहुत गलत चीज़ है। जब कोई फैक्ट्स के साथ बात कर रहा है, बिल्कुल आपके यू नो सबूत के साथ बात कर रहा है, उसके बावजूद भी इतना हेट, तो बिल्कुल भी यू नो बहुत गलत चीज़ है ये। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँ। दो बार मैंने उनके ऊपर रोस्ट वीडियो या क्रिटिसिज्म के तहत वीडियो बनाया है और दोनों में फैक्ट्स के साथ बात करी है, पूरी रिसर्च करने के बाद वीडियोस बनाया गया है, मगर उसमें भी इतना हेट, तो मैं क्या बोलूँ। इनके फैंस को समझना ही नहीं है, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो सामने वाले की भी बात सुन ले, बिल्कुल भी वो सुनते ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी गलत चीज़ है, आपको भी सुनना चाहिए, एक बार सुनिए, अगर आपको गलत लगता है फिर अपनी बात रखिए कि नहीं भाई तुमने गलत बोला है, सुनते भी नहीं है। अभी मैं वीडियो डालूंगी, देखेंगे भी नहीं वीडियो में क्या है, सीधा डिसलाइक करेंगे, अपनी तरफ से कमेंट करेंगे, चलते बनेंगे, तो ये चीज़ें लोग करते हैं, बट खैर मैं क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके। और मैं बस इस वीडियो में इतना ही बात करना था, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, चलिए थैंक यू।